क्योंकि उसका जो जख्म सी उसके दिमाग तक का आ गया सी। रोज़ की तरह इस बार भी गऊ सेवा परिवार के हॉस्पिटल में एक बैल का केस आया जिसके सिर उत्ते जख्म सी। असी उस समय बाकी गऊ वंश अते बैल का इलाज कर रहे सी। असी थोड़ी उसका इलाज करने वेले ढिल वरती कि सानू दिखता रहा सी कि जख्म इसके है सिर उत्ते। असी तकरीबन घंटे के बाद उसका इलाज शुरू किया। साड़ी टीम के जिस परसन ने ग्लव्स पाए हुए सी उसने इलाज करना शुरू किया। शुरू दे दो तीन मिनट उसले बड़े आसान रहे, बाकी गुआ मंगू उसने उस बैल ना डील किया। उसने लगा कि हाँ जी इसके सिर उत्ते बड़ा बेसिक जहा जख्म है, पर जब इलाज करने वाले परसन ने उस बल्द की जख्म की थोड़ी जी उपरली तह की सफाई की तो उसके हाथ कंबन लग गए, क्योंकि उसका जो जख्म सी उसके दिमाग तक आ गया सी। चलो असी सानू उस बल्द कोले ही लेके जाने हैं। तुसी जो मेरे पिछे बल्द देख रहे हो ये उही बल्द है जिसके दिमाग तक इसका जख्म पहुंचा हुआ। मैनू नहीं पता कि इसके इन्ना वड्डा जख्म किसी आपके नाल दे साथी नाल लड़के होया जां किसी मनुख ने इसनू यह दुख पहुँचाया, पर तुसी अगर देखोगे हुण तां सी इसका इलाज करता पहला इसका जो जख्म सी उस दे इत्थों तक आया हुआ सी, मतलब कि बचाले मत्थे तक आया हुआ सीगा। हुणे काफ़ी अगे नाल रिलीफ विच आ। साडी जो टीम आ गऊ सेवा परिवार उसका डेली बेसिस ते इसका ध्यान दे रही आ। असी डॉक्टर की भी राय लीती आ, उन्होंने सानू कहा कि इसका इदा ही अगर असी इलाज करते रहे तो इसका यह जख्म सही हो जूगा। मैनू लगता कि मेरा दुख कितने ना कितने घट होगा, इस बेजुबान का दुख ज़्यादा होगा, क्योंकि किसी टाइम इसने किसी के खेत सीचे हो गए, इसने लोगों का फायदा कराया होगा, तो अज इसकी जिंदगी सिर्फ आह किले उत्ते बन के ही रह गई आ। उस बंदे नूं चाहिदा सी कि उसने इस तो फायदा तो ले लिया, पर उस बंदे नूं इसनूं उस प्लेस ते छड़ना चाहिदा सी जां किसे लोड़वंद नूं दे देना चाहिदा सी जिथे इसका कोई इदा जानी नुकसान ना होंदा। चलो फिलहाल इत्थे गऊ सेवा परिवार के हॉस्पिटल सेफ आ।